हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आपको पता होगा कि अभी जो फिलहाल आपके दिल्ली पुलिस के 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एसएससी का एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है। तो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो ट्रायंगल हम जो है फाइंड करेंगे। आपको पता होगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रायंगल फाइंड करने के, तो मैं पूरी चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। आप आज की वीडियो देखने के बाद आपकी जो ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, मैंने यहाँ आकृति आपको दी है, इसमें पहली वाली आकृति में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। देखिए, इसमें नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें वन और ये टू, यानी कि हम इसमें कितने दो ही त्रिभुज हैं आपको दिख रहा होगा। एक लाइन फाइंड है इसमें जो खींची हुई है, उसमें आपको दो त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके? इसमें आपके टू त्रिभुज हो गए, जो पूछा भी है। तो दो ट्रायंगल इसमें आपके हो गई है। सिंपल है, ऐसे त्रिभुज को तो बच्चे ज़्यादातर गिन लेते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड, ये जो है एक आपका चतुर्भुज है, यानी चार भुजाएं हैं इसकी, और इसमें दो रेखाएं आमने सामने जो विकर्ण पर काट रही हैं। तो इसमें देख लेते हैं, वन टू थ्री और फोर। मैं आपको उसमें एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी ऐसा त्रिभुज आ जाए आपका, तो उसे जो आपके अंदर के त्रिभुज हैं उनका डबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज अंदर? चार है, तो चार का दुगना कर दीजिएगा, यहाँ पे आठ त्रिभुज आपके आ गए। आप गिन भी सकते हैं इसको, चार ये हो गई, पाँचवा ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताइए, पाँचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा आपका यहाँ से, और इसी प्रकार सातवां ये हो जाएगा और आठवां ये हो जाएगा। आप गिन सकते हैं इसको। इसी प्रकार अगले वाले त्रिभुज में देखते हैं, इसमें इसमें भी आप नंबर दे सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसका डबल कर सकते हैं आप छः का। यदि आप जब यहाँ छः का डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसमें 12 त्रिभुज आपके हो जाएंगे। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को एक्यूरेट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर एक्यूरेट हमारे जो है ट्राइंगल फाइंड नहीं हो पाते हैं, त्रिभुज फाइंड नहीं हो पाते हैं, तो आप इस तरीके से एक्यूरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ भी करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब एट का दूना आप यहाँ से कर दीजिएगा, एट का दूना कितना होता है? 16। आप 16 त्रिभुज आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, ये भी ऐसा ही है, चार चार का दूना कर देंगे तो आठ त्रिभुज जो है इसमें हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं, दो तीन चार, चार का दोगुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे आठ हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अभी एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो ये कितने त्रिभुज हो गए? चार त्रिभुज और इसमें ऐड कर लीजिएगा आप, 12 त्रिभुज आपके यहाँ पे जो है आंसर आपका आ गया है। सिंपल तरीके से यदि कोई भी आप ऐसे त्रिभुज गिनने का आ जाए तो आप डायरेक्टली उसे गिन पाएंगे और बहुत ही कम समय में उसको आप एक्यूरेट कर पाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिगर। देखिए, ये फिगर है, इसमें क्या करना है आपको? इसमें नंबर डाल देने हैं। ये भी शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको नंबर डाल देने हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे अब इनको जोड़ लेना है आपको, चार तीन सात और दो नौ और एक दस, यहाँ पे पूरे 10 हो गए हैं यहाँ पे। उस प्रकार यहाँ भी एक नंबर दे दीजिएगा, तो ये भी कितने हो गए? 10 हो गए। अब दोनों को आप जोड़ोगे, 10 और 10 कितने ट्रायंगल हो गए? इसमें जो है 20 आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 20 त्रिभुज इसमें आपके हो गए हैं। अगर ऐसा आपको कहीं भी सवाल देखने को मिले तो इसी प्रकार आपको फाइंड करना है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फाइंड कर पाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इसमें आपको ये त्रिभुज तो मैं ऑलरेडी फाइंड करा चुका हूँ, आपको इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, यानी कि दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियाँ की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम पूछा गया इसमें। आप कई बार बहुत सारे बच्चे जो है अधिकतम तो आप कितने भी कर सकते हैं, तो आप इसमें न्यूनतम जो है आपको फाइंड करना है, न्यूनतम न्यूनतम पंक्तियाँ। तो आपको बता दूं मैं कितनी रेखाएं इसमें, ये चार हैं, एक दो तीन, चार तो ये हो गई और दो आपकी ये हो गई, तो छः टोटल आंसर आपका आ जाएगा, छः, जो इसमें छः पंक्तियाँ हैं जो आपको फाइंड करनी थी। और डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे इसमें त्रिभुज निकाल के देते हैं लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है कि उसमें आपको न्यूनतम पंक्तियाँ या लाइन आपको फाइंड करनी होती हैं और आप त्रिभुज फाइंड करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी ना करें ऐसा, थोड़ा सवाल को तो एक बार देख लें और उसे पढ़ लें ताकि वो गलत ना हो पाए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी ऐसी आपकी आकृति आ जाए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको फाइंड करना इसको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप नंबर फाइंड कर देना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमने नंबर जान लिए। अब हम इनको जोड़ते हैं, छः पाँच ग्यारह और चार पंद्रह और सोलह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस, यानी इस पंक्ति से हमें 21 त्रिभुज जो है यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। अब इसमें भी ऐसे नंबर डालना है, वन टू थ्री, यहाँ पे कितने हो गए? हमें छः त्रिभुज मिल गए हैं। यहाँ पे हमें वन टू थ्री, यहाँ पे कितने त्रिभुज मिल गए हैं? हमको छः मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नंबर डालना है, वन टू थ्री फोर, तो कितने हो जाएंगे? चार तीन सात नौ एक दस त्रिभुज जो है यहाँ पे आपके हो गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नंबर डालना है, वन टू थ्री, तो कितने हो गए? छः हो गए। अब इनको सभी को आप जोड़ सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 21 और 10 31 हो गए, और 6 6 12 31 और 12 41 और 42 हो गए। 42 के बाद आप यहाँ जोड़ सकते हैं 6, ये जुड़ जाएंगे, 6 2 8 और लगभग आपके 49 जो इसमें होने चाहिए, देख लेते हैं एक बार, एक ये जुड़ जाएगा ना यहाँ पे, यानी 36 18 18 और 10 28
28 और 21 कितने होते हैं बच्चों? तो आपके 49 जो है इसमें त्रिभुज आ गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे। अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और आप गिनने में थोड़ा असमर्थ हैं तो इस ट्रिक से आप उसे बहुत जल्दी गिन सकते हैं। इस ट्रिक से आप जो है उसको इतनी आसानी से गिन सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जो है उसे फाइंड कर जाते हैं लेकिन एक दो उसमें रह जाता है। आप 49 आए हैं तो हम 48 लगा देते हैं या हम 50 लगा देते हैं, उसके हिसाब से आपके सवाल गलत हो जाते हैं। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिभुज भी बताने हैं और इसमें आपको पंक्तियाँ भी बतानी है, दोनों बतानी है आप इसमें। इसमें आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल आपको जो है फाइंड करने हैं और आपको इसमें जो है पंक्तियाँ, जो न्यूनतम पंक्तियाँ होती हैं, न्यूनतम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, न्यूनतम न्यूनतम पंक्तियाँ भी आपको इसमें फाइंड करनी है। तो त्रिभुज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं और जो है न्यूनतम पंक्तियाँ मैं फाइंड करा रहा हूँ आपको। इसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली चार चार लाइन हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पे चार हो गई। चार के बाद यहाँ पे आपकी 5 6 7 हो गई और 8 9 10 हो गई, 11 12। तो 12 जो है इसमें आपकी जो फाइंड हो जाएंगी, 12 जो है आपकी यहाँ पे जो न्यूनतम पंक्तियाँ होंगी वो 12 होंगी। तो सही आंसर आपका 12 हो जाएगा, फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से बीच वाले से आप कितने निकालेंगे, 3 3 त्रिभुज इनमें हो जाएंगे। तो त्रिभुज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत अच्छा लगता है यदि आप हमें कमेंट करते हो, लगता है कि आपकी समझ में हर सवाल हमारा आ रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी त्रिभुज का है, इसमें भी आपको फाइंड करना है। तो गाइस आपको सिंपल तरीका मैं बताऊंगा इसे गिनने का, जिससे आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं। देखिए इसमें नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर दे दिए। आप यहाँ भी इसी प्रकार नंबर दे सकते हैं और यहाँ भी इसी प्रकार आप जो है इसमें नंबर दे दीजिएगा, ये 4। यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? यहाँ 10 हो गए। यहाँ भी कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? ये भी 10 हो गई, यहाँ भी 10 हो गए। अब हमें पता चल गया टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए हैं, 30 त्रिभुज हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 1 2 1 2। जब दो त्रिभुज अंदर हैं तो एक त्रिभुज बाहर होगा, तो तीन त्रिभुज यहाँ पे आ जाते हैं, तो तीन ही त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे और तीन त्रिभुज ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 6 और 3 9 9 त्रिभुज यहाँ पे आ गए हैं। अब देखते हैं अंदर वाले में 1 2 3 4, चार त्रिभुज यहाँ पे आ गए। अब चार त्रिभुज यहाँ पे आ जाते हैं, तो 9 4 13, और यहाँ पे कितने आ गए आपके लगभग, ये कितने हो गए हैं अभी, 39, और यानी कि आपके 43 त्रिभुज यहाँ पे ये टोटल हो गए हैं। प्लस का निशान लगा लेते हैं हम यहाँ पे। अब एक त्रिभुज तो आपका यहाँ पे ये वाला बचा है, एक त्रिभुज आपका ये वाला पूरा बच गया है, और एक त्रिभुज आपका बड़े वाला हो गया है। ठीक है, एक त्रिभुज आपका बड़े वाला हो गया, 4, और यहाँ पे 3 त्रिभुज जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एक त्रिभुज आपका ये वाला यहाँ से और यहाँ तक बचा हुआ है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये बड़े वाला यहाँ पे ये बचा हुआ है आपके पास 2, और एक त्रिभुज ये वाला बड़े वाला यहाँ पे बचा हुआ है। तो 3 त्रिभुज और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 46 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन था और जिनको ये कि ऐसे सवाल हमें नहीं आते, तो आज की वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप ऐसे सवालों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से गिनो इसमें। अब आपको देख लीजिएगा, मैं आपको इस तरीके का त्रिभुज गिनवा के आया हूँ। यहाँ पे इसमें कितने त्रिभुज हैं बच्चों? 3 त्रिभुज हैं। इसमें भी आपके यहाँ पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे और यहाँ पे आपके भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पे भी आपके 3 त्रिभुज हो जाएंगे। आपको बताऊंगा गिनना में, उसके बाद ये बड़े वाले में भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। किस तरीके से? एक त्रिभुज तो आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और इसमें 2 छोटे त्रिभुज और हैं इस प्रकार, ये एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज हो गए। अब कितने त्रिभुज हैं? 3 6 9 3 12 और 3 15 त्रिभुज यहाँ पे अभी तक हमारे पास हो गए हैं, 15 त्रिभुज आपके पास आ चुके हैं यहाँ पे। अब और देखते हैं, एक त्रिभुज ये बचा है, एक त्रिभुज ये बचा है, तो 15 और 16 17, यानी 2 त्रिभुज और इसमें ऐड कर देंगे हम, तो टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज आ गए बच्चों? 17 त्रिभुज हमारे पास आ गए, जो कि एब्सोल्युटली आप बिल्कुल आसानी से गिन पाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये समझाया है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।